झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी सीट से अपने मंत्रिमंडल सहयोगी रहे बीजेपी के बागी सरयू राय से 16,000 से अधिक मतों से हार गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ भी अपनी चक्रधरपुर सीट पर हार गए, जबकि भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य सभी बड़े दलों के नेता विधानसभा चुनाव में जीतने में सफल रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री दास अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी रहे भाजपा के बागी उम्मीदवार से जमशेदपुर पूर्वी सीट से 15,833 मतों से हार गए, जबकि इससे पहले वह इसी सीट से लगातार 5 बार विजयी रहे थे और 2014 के विधानसभा चुनाव में वह 70,157 मतों से विजयी हुए थे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ भी चक्रधरपुर की सीट से झामुमो प्रत्याशी सुखराव उरांव से 12,234 मतों से पराजित हो गए। इसके विपरीत झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने बरहेट और दुमका दोनों सीटों से जीत दर्ज की। हेमंत ने जहां बरहेट सीट पर भाजपा के साइमन माल्टो को 25,740 मतों से पराजित किया, वहीं दुमका में उन्होंने भाजपा के मंत्री लुइस मरांडी को 13,188 मतों से पराजित कर दिया। 2014 में वह 4,914 मतों से लुइस से ही चुनाव हार गए थे। इसके अलावा सिल्ली से आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने 20,195 मतों के भारी अंतर से झामुमो की उम्मीदवार सीमा महतो को हराकर उपचुनाव में हार का बदला चुकता किया। झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट से भाजपा के लक्ष्मण प्रसाद सिंह को 17,550 मतों से पराजित कर यहां से जीत हासिल की। वह पिछली बार यहां से चुनाव हार गए थे। इसी प्रकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस के ही पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के उम्मीदवार सुखदेव भगत को 30,150 मतों से पराजित कर चुनाव जीता।